नमस्कार दोस्तों, लमंत्र उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज का उपाय काफ़ी ज़्यादा प्रचंड है। सबसे पहले तो मैं इस उपाय के बारे में बताने से पहले सावधानपूर्वक आप मेरी बात सुन ले। यह उपाय काफ़ी ज़्यादा प्रचंड है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिवान है, तो इसलिए टोटके को मजाक में न दें। प्लीज़, आपसे निवेदन है, अगर आप करें ना करें वह आप पर निर्भर करता है, लेकिन इस टोटके को मजाक में न लें, क्योंकि अगर आपने मजाक में भी इस टोटके को किया तो कहीं ना कहीं आपका स्वयं का नुकसान हो सकता है, किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस टोटके को बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही करें। ये टोटका कोई साधारण टोटका तो है नहीं, इसे कपटतंत्र कहा जाता है। ये कपटतंत्र तब किया जाता है जब आप किसी के कपड़े को लेकर उस इंसान को वशीभूत करना चाहते हैं, या किसी कपड़े के जरिए आप उस इंसान को अपने काबू में करके उसके मन मस्तिष्क में आप सिर्फ और सिर्फ अपना परचम लहराना चाहते हैं, तो आप इस प्रयोग को करें। निवेदन है आपसे, श्राव मास आदि अंडे आदि का सेवन करके कदाचित भी इस प्रयोग को न करें। अगर आपने मान लीजिए एक दिन पहले भी किया तब भी ना करें। 3 दिन आपको श्राव मास अंडे से पहले परहेज करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी प्रकार का अगर किसी स्त्री पुरुष से आप संभोग करते हैं तो वह संभोग किए हुए भी आपको 3 दिन के बाद इस प्रयोग को करना है। और स्त्रियां कठिन समय में गलती से भी इस प्रयोग को न करें। इस प्रयोग को अंत तक देखें, जानें, उसके बाद ही आप इस विधि को करें। आपसे पहले हाथ जोड़ के इसी बात से निवेदन है, मैं इतना किसी भी टोटके के लिए आपको वार्न नहीं करता, लेकिन इसके लिए कर रहा हूँ, यह जरूरी भी है। इस उपाय को करने से पहले स्नान आदि करें और निर्वित हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, उसके बाद खाना ना खाएं, मुंह जूठा नहीं होना चाहिए आपका। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके के मंत्र बता पाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जिस इंसान को वशीभूत करना चाहती हैं, अगर आपको उसका कपड़ा या रुमाल मिल जाता है तो आप ले आए, अगर नहीं मिलता तो आप स्वयं का रुमाल यूज कर सकते हैं, या आप स्वयं के कोई निजी वस्त्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको सामने दिखाई दे ही रहा है, इस कार्य को आप शनिवार, मंगलवार और गुरुवार रात्रि कर सकते हैं 11 बजे के बाद। एक तेल का दीपक लेना है, उस इंसान के बारे में सोचते हुए, केवल और केवल उस इंसान के बारे में सोचते हुए, मैं कोई ज़्यादा बड़ा पेंटर तो नहीं हूँ, तो वैसे ही आपको सिर्फ उसके बारे में सोचते हुए आपको यह लगाना है, कोशिश करनी कि आप उसी की तस्वीर बना रहे हैं। आपको तस्वीर बना लेनी है और ऊपर उसका नाम लिखना है, और फिर ये जो मंत्र दिखाई दे रहा है इस मंत्र को लिख लेना है। स्पष्ट रूप से आपको मंत्र दिखाई दे रहा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीन पर देने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस दीपक को इसके सीने पर रख देना है। सीने पर रख देने के बाद आपको इस मंत्र का 111 बार जाप करना है, और जैसे जाप पूर्ण हो जाता है तो आपको क्या करना है, इसी कपड़े के जरिए इसको आपको जला देना है। जिस इंसान को आप वशीभूत करना चाहते हैं उसके घर में जाकर आप इसकी राख डालें, उसके घर की छत पर डालें, आपको इसके मस्तिष्क पर तिलक करके करना है। अगर उसके घर पर आप नहीं डाल सकते तो आप कोशिश करें कि उसके घर की तरफ करके अंधेरे पर सारी राख रख के उसकी शहर उसके घर की तरफ आप फूंक मार दें, बस एक छोटा सा प्रयोग करना है। याद रहे, इस कपड़े का कोई भी अंश आपके घर में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ आप मस्तिष्क पर एक तिलक करें। याद रहे, किसी प्रकार का इसका अंश बचना नहीं चाहिए, सारी की सारी राख। कपड़ा आप सूती लें ताकि उसकी राख अच्छे से बन जाए, इस तरीके का कपड़ा लें सूती जिसकी राख बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चले और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं, या आपके जीवन में अन्य भी कोई परेशानी चल रही है और आप सरल सा उपाय चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट भी लॉगिन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। धन्यवाद।